गाइस जहां ब्लॉग खत्म करता वहीं से ब्लॉग चालू करते हैं। तो हेलो गाइस, आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। खड़गम जी दर्शन हो चुके हैं, टाइम हो रहा है 12:45। अब यहां से निकल रहे हैं जोधपुर के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जाना तो है ही। अब गाड़ी ये खड़ी हुई है, ये है चेन क्लीन, चेन ल्यूब जो कुछ होता है सब कुछ कर लिया। बाकी ये देख रहे हो अब क्या शाइन मार रही गाड़ी, ये दिखाई दे रहे होंगे हम लोग सामने। फटाफट जैकेट वगैरह पहने हैं और यहाँ से बाहर निकले क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। पीछे पूरे लोग ही लोग आ रहे हैं, पूरा देख रहे होगे आप। ये मंदिर ऐसा रहेगा ये, और ये सेम चलता रहेगा रात को 8 बजे तक, क्योंकि कल आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं। कल पूरा बंद रहेगा, सीधे रेडी होकर निकलते हैं बाहर, सीधे मिलते हैं आपसे अब हाईवे पे, क्योंकि अभी तक कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है, 1 बजने वाला है। चलो तो गाइस एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। यहाँ से निकल रहे हैं जोधपुर, खाटू श्याम जी के अंदर हैं अभी। अभी खाटू श्याम जी में हैं, दर्शन वगैरह हो चुके हैं, टाइम हो रहा है 1:00 PM। चले चलो अरे बाप रे, बहुत तेज धूप है। ये अब देख रहे हो पूरे में भी लोग ये झंडा लेके जा रहे हैं श्याम जी का। इतनी बढ़िया बात है कि आज पड़ गई थी एकादशी, अच्छा हो गया। छोटे भाई बाहर निकलना, बाहर भैया बाहर निकलना है, यहाँ पे हाईवे ठीक है। मजे चल रहा है इनके, ब्रेकफास्ट आ गया है ये देख लो। ब्रेकफास्ट करते हैं और सीधे निकलते हैं यहाँ से, आगे हाईवे मिलेगा, हाईवे पकड़ेंगे, पहुँचेंगे जोधपुर और फिर खाना खाएंगे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब देख रहे हो पूरे बाल चिपचिपा रहा, पसीना पसीना। राजस्थान की गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है। तो गाइस ये रहा ऊपर लगा हुआ है बोर्ड, जोधपुर 316। चल रहे हैं आगे, फिर देखते हैं क्या करना है। बेटा पूरा वाइड एंगल है वो। आज के लोगों को बता दूं राजस्थान की गर्मी अनहेलेबल टाइप की है। अब यहाँ से निकल रहे हैं नागौर, नागौर से जोधपुर, देखते हैं फिर आगे क्या करना है। चलो भाई लोग अभी खाटू श्याम जी से निकले हैं, कुछ कवर करा होगा अभी कह लो 150 किलोमीटर के आसपास। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, राजस्थान की गर्मी अभी इतना तेज़ गर्मी लग रहा है। और यहाँ के जो कॉमन लोग हैं, जो यहाँ लोग यहाँ रहते हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं कि अभी पानी गिर गया तो अभी तभी भी मौसम अच्छा है। और समस्या क्या पता है इससे बड़ी, ये कंगी देख रहे होगे आप ठीक है, कि जोधपुर तक 2-लेन हाईवे है। 2-लेन हाईवे मतलब कैसा, एक इस तरफ जाने का एक इस तरफ आने का, और बीच में कहीं डिवाइडर नहीं है। मैं आप पहले हाईवे देखो एक बार, वो देख रहे हो आप सामने, ऐसे ही में जाना है ऐसे ही में आना है। इसके अलावा अब यहाँ से पड़ेगा नागौर 80 किलोमीटर, फिर नागौर से पड़ने वाला है हमको जोधपुर कुछ 150 किलोमीटर, पर उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि वो हाईवे तो भी अच्छा है। अब बाकी देखते हैं क्या करना है। गाड़ी की हालत देखो, ये गाड़ी सामान ऊपर रखा हुआ है, बैठ थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और पीछे पेड़ पे मोर है, वो मोर चिल्ला रहा है मैं हूँ। हम लोग इसको बोल रहे हैं कि हाँ तुम ही हो,
अब यहाँ से निकलते हैं सीधे नागौर पहुँचते हैं। नागौर में देखते हैं वेट करना है क्या करना है फिर आगे। गर्मी का लेवल देखो आप, यदि आप एमपी यूपी से आ रहे हैं ना तो यहाँ की गर्मी आपसे झेली नहीं जाएगी। बहुत मतलब अति में ज़्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पे। और यदि आप यहाँ पे मई में आने की सोच रहे हैं ना तो बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है मई में आपको। आपका दिमाग बस्ट हो सकता है, इतना प्रेशर हो जाएगा दिमाग पे आपका। यहाँ से बचा है जोधपुर 100 किलोमीटर और ये आइए वेज बिरयानी बहुत तहलका टाइप की। देखो ये काजू आजू डले हुए हैं भाई, ये रायता आयता गजब आठ गचा कर खिलाएंगे हम लोग। अब इसको देख के लग रहा है वेदांत कि हम लोग को चाउमीन नहीं बुलानी थी। बोलो बहुत ज्यादा मतलब क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है। तो अब ये खा ले फिर इसके बाद निकलते हैं जोधपुर और वहाँ जाके बहुत मजे करने वाले हैं। मतलब मक्खन मजे होते ना, मक्खन मजे वो करने वाले हैं। देखो भाई राइस तो खा लिया है, उसके बाद अब चाउमीन देखो आठ गजब की चाउमीन। क्या चाउमीन है, इतना भर के पूरा प्लेट में निकाला था राइस। तो गाइस हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत कुछ खाया है जय श्री कृष्णा होटल रेस्टोरेंट में। आप भी आइए, थोड़ा सा रेट तेज़ है पर क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज खाना बहुत अच्छा है। अब यहाँ से जोधपुर बचा है कुछ 110 किलोमीटर जो कि 2 घंटे में लग जाएगा। ताकि आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं भाई अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करो। बस्तार बस्तार निकलने का समय। टाइम हो रहा है 7:14। टाइम देख रहा कितना हुआ है 7:30। ये देखो करेक्ट 7:29 और अभी अंधेरा नहीं हुआ शाम को, है ना? थोड़ा फर्क है ना थोड़ा सा टाइम का। चलो चलो थोड़ा सा गाड़ी में ये तेल खत्म हो रहा है, चलो। तो गाइस अभी पहुंचे हैं जोधपुर का टोल। अब यहाँ से बचा हुआ है जोधपुर को 40 किलोमीटर। बहुत ही गंदा हाईवे, सिंगल लेन हाईवे है, एक जाने का एक आने का वही बना हुआ है। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यदि जोधपुर आ रहे हो तो ध्यान रखो कि रात को 8 बजे तक जोधपुर लगा लो, क्योंकि जोधपुर में अंधेरा रात को 8 बजे होता है, 8:10, 8:15 तक अंधेरा होता है। तब तक आप यहाँ ट्रैवल कर सकते हो। सीधे यहाँ से लगा रहे हैं जोधपुर, फिर अंदर वहाँ जाके हॉस्टल लेना है। अब हॉस्टल में यदि रूम खाली मिलेंगे तो बहुत बेहतर है, यदि रूम खाली नहीं मिलेंगे तो फिर समझते हैं कि क्या करना है।
टाइम हो रहा है रात का 9:02। ये देखो आप, 9:02 टाइम हो रहा है। जोधपुर बचा हुआ है यहाँ से 12 किलोमीटर। थकान बहुत हो गई है। 100 किलोमीटर के हाईवे में 3 घंटे के ऊपर लग जाएंगे आपको, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि स्ट्रीट लाइट है ही नहीं पूरे हाईवे पे। आप रात को ड्राइव करना अवॉइड करिए। हम लोग ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास रुकने की कोई और जगह व्यवस्था थी ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने रिस्क लेके यहाँ तक करा है। मैं आप लोगों से बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि रात को ड्राइव करना अवॉइड करें, जो जगह मिले वहाँ रुक जाएं। क्या था ना कि नागौर के बाद कोई भी इतना बड़ा कोई सा भी एक गांव तक नहीं पड़ा जहाँ पे हम लोग को स्टे करने के लिए कोई जगह मिल जाए। सीधे जोधपुर लगा रहे हैं। जोधपुर में बहुत अच्छा हॉस्टल है। ये कहाँ कहाँ ले आया गूगल मैप यार, समझ में ही नहीं आ रहा। गाड़ी पार्क करते हुए यहाँ पे, और आगे ले ले और आगे, बस ठीक है प्रॉपर है। स्टे कर रहे हैं दी हॉस्टलर्स हॉस्टल में। ये रहा यहाँ का बोर्ड, वेलकम टू हॉस्टलर्स। तो हम लोग स्टे कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोगों ने डॉर्मेट्री ली है 4 लोगों, जहाँ पे 4 बेड रहते हैं, जिसकी हमें कॉस्टिंग पड़ी है कुछ 420 रुपये एक आदमी की, विथ एसी रूम। बहुत प्रॉपर है और बहुत ही प्यारा है। बाकी आपको मैं सब दिखाने वाला हूँ आज रात को प्रॉपर, कि यहाँ पे कैसा क्या रहने का है, यहाँ पे रूम कैसा है, कैसे कैसे खाने पीने का है, सब दिखाने वाला हूँ। थक बहुत ज़्यादा गई है तो वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, उनकी बात सुने, फ़ायदे में रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।